सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। तरह के आपके चैनल ने तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। आप हर खबर को बिना निष्पक्ष भाव से जिस तरह से दिखाने का कार्य करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं अपनी विधानसभा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। और जैसे कि हम लोग चुनावी भौकाल के लिए बात कर रहे हैं, 5 साल कैसी रही सरकार और आने वाली सरकार कैसी होगी या किसकी होगी, इस विषय पर हम बात करने आए हैं। कई जमीनी मुद्दों पर बात करेंगे, जनप्रतिनिधि के बारे में बात करेंगे, नेता कितनी बार लोगों से मिल पाए या कितने लोगों के काम कर पाए, इस विषय पर बात करेंगे। तो अभी मैं हूँ धामपुर विधानसभा के भटपुरा गाँव में, तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या उनका अनुभव है और किसकी सरकार चाहते हैं। तो क्या नाम है जी आपका? अनित कुमार। अनित जी, आपके सर सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जो भाजपा सरकार अभी चल रही थी, योगी सरकार जो चल रही है, कैसा रहा? वैसे तो ठीक ठाक है, मगर महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। मेरे पास सर बेरोजगार भी है, महंगाई भी है। मेरे पास गाड़ी है, तेल के लाख पैसे नहीं तो गाड़ी कहाँ से चलाऊंगा। 105 रुपए लीटर तेल है, तो गरीब आदमी कहाँ से तेल डालेगा उसमें। मिट्टी का तेल देख रही थी सरकार, वो खा गई। आपके अनुसार सरकार फेल है? फेल है। तो आने वाली सरकार किसको चुनोगे? अभी देखेंगे किसके बारे में विचार रहेगा। अभी कोई विचार ऐसा तरीके से हुआ नहीं है। नहीं तो देखिए, चुनना तो पड़ेगा ना किसी एक को। सर हमारे साथ एक दुर्घटना हुई है। अभी मोदी सरकार ने हमारे लाख 1 रुपए का भी कोई वो नहीं करा। हमारे पल्ले मोहल्ले में तार नीची है, यानी बतेरी रिपोर्टरबाजी करी, मगर कोई अभी तक लो कोई एक्शन नहीं लिया मोदी सरकार ने, ना बिजली दफ्तर ने लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जी आप किसकी सरकार चाहते? बहन जी मायावती की। मायावती जी की, आपके अनुसार किसकी सरकार होगी? देखो भैया जी, मैं बताऊँ आपसे, देश के हित के लिए तो लीडर मोदी जी ठीक है, जैसा होना चाहिए लीडर ऐसे ही देश के लिए होना चाहिए। लेकिन भैया हमारा जो यूपी सरकार है, यानी कि योगी जी की सरकार है जो है, यहाँ तो भैया शोषण हो रहा है मुस्लिम समाज का और SC समाज का, यानी कि दलित लोग का। हमारा हमेशा ही शोषण करता रहा ये 5 साल से हमारी योगी सरकार। सरकार तो कह रही है कि जितनी भी योजनाएं हैं वो दलित और शोषित लोगों के लिए हैं, राशन फ्री मिल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ शोषित समाज के लिए हैं, जो दलित समाज के लिए हैं। हाँ भैया, बात बहुत सही है, लेकिन राशन दे रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जो पहले जो सरकार थी उनमें जो गुंडागर्दी है और जो और अपराध हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपके अनुसार क्या कहना, आपका क्या मानना है? ना ये तो बात सही है, गुंडागर्दी क्राइम कम है इस सरकार में, क्राइम तो कम है, लेकिन भैया फिर भी ये शोषण कर रही है। जैसे कि इन्होंने जो है महंगाई इतनी कर दी है कि खाने का तेल 200 रुपये लीटर, 350 रुपये की बंदा मजदूरी करता है, 300-350 रुपये की, 200 रुपये लीटर अगर तेल लाएगा तो भाई जी कहाँ से खाएगा वो बच्चे, बताइए। तो आपके अनुसार भाजपा सरकार में, योगी सरकार में महंगाई बढ़ी? महंगाई बहुत महंगाई बढ़ी, मतलब महंगाई से आप त्रस्त हैं जी? हाँ। वोट किसे देंगे 2022? वोट तो देखो भैया अभी समय बताएगा, समय तो आई गया, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये चाहता हूँ कि भाई साहब रुझान तो देखो इस बार, भाई साहब भाजपा को देने का तो मूड है ही नहीं। अच्छा। हाँ, और मेरा क्या, मैं समझता हूँ कि लगभग जो है यूपी के अंदर इतने ही बंदे हैं जो समझदार यानी कि जागरूक लोग हैं, वो तो भाजपा को नहीं देंगे। जो जागरूक लोग हैं वो भाजपा को नहीं देंगे। अच्छा। और जो जिनका जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनके जो मतलब नाच पे मतलब सोचने की साफ दे रहा मोदी है, तो वो तो भैया दे सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग वो मोदी सरकार को नहीं देंगे। तो वही पूछ रहा हूँ, वो सपा चाहेंगे या भाजपा? आप किसको, अगर आपको सरकार चुननी पड़े या आपका कोई मत है, आपका व्यक्तिगत मत मैं पूछूं, तो आप किसे बोल रहे हैं? तो भैया कौन सी सरकार को? हाँ, ऐसा देखो अभी तो देखो सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, कांग्रेस तो आपको पता ही, ओवैसी भी अपनी बार आपकी बार। यहाँ तो भैया मैं बताऊँ आपसे, BSP आती है, सपा आती है, तीसरी भाजपा आई है इस बार ही। तो इसलिए भैया अभी जो है जो कैंडिडेट के जो कैंडिडेट होगा, टिकट के सब लाइन में लगे हुए हैं, कैंडिडेट देख के मतलब क्या, तो सपा को देंगे हम वोट या बसपा को देंगे, मतलब भाजपा को कोई मतलब? भाजपा को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारे गाँव में सिलेंडर की कोई भी सुविधा नहीं थी, मोदी जी ने सिलेंडर दिया। सिलेंडर देने के बाद पहले तो लालच दे दिया मोदी ने कि फ्री देंगे, उसके बाद में 1000 रुपए सिलेंडर लिया, फिर उसके बाद में यो योजना करी, शुरू में भरवा लिया किसी ने, भरवा ले जब सस्ता करा तो भरवाया, उसके बाद में जब 1000 रुपए आया तो मसाले ऐसे पड़े, उन्हें रुड़के पड़े हुए, चूल्हे को नीचे पड़े ना, वे कोई नहीं भरवा रहा, वो अपनी लकड़ी चूल्हे पे आ गए, महंगाई इतनी कर दी। उसके बाद में फिर करा कनेक्शन फ्री,
कनेक्शन फ्री, कनेक्शन फ्री करने के बाद में बिल दबा दब दबा दब दबा दब इनकी खाल तार के फेंक दी। बस फ्री क्या करा तुमने, तो लोगों की जान मारी, ये फिर करा फिर करा। उसके बाद में सरसों का तेल मेरी याद में इतना महंगा कभी होया नहीं, आपकी याद में होया हो तो होया हो, 200 रुपए लीटर तेल है। ये पकौड़ी करेंगे काहे की खाएंगे, सब्जी छोकेंगे काहे की खाएंगे। डीजल था, डीजल 100 रुपए लीटर, पेट्रोल 105 रुपए लीटर। ये गाड़ी ये लेकर अपने घर में खड़ी करेंगे लोग। केंद्र सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार है वर्तमान में, शायद जो अभी जो तेल की कीमत है वो और प्रदेशों से कम है, उस पर आपका क्या कहना है? प्रदेशों तो और कम है यहाँ, तो और बढ़ेगा फिर इसका मतलब, तो ठीक है और बढ़ाओ। किसानों ने सरसों बोई है, अगर किसान अगर चाहे ना अपनी पावे, इन्हें भिखारी बना देगा, खाने तक को भुक्का मार देगा। क्यों? तेल पैदा यो कर रहा, अनाज पैदा यो कर रहा, गन्ना पैदा यो कर रहा, हर चीज पैदा कर रहा है, और तब भी परेशान। 2022 में किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? अब जा, अब तो हम बहन जी के पीछे चल रहे हैं, बसपा, बसपा पक्का चलेगा। एक और सवाल मेरा आपसे, जैसे कि सभी लोग चुनावी रंगमंच में कूद पड़े, योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी और ओवैसी जी, दुनिया भर के, पर मायावती जी अभी तक ना तो कोई चुनावी रैली करी और ना ही किसी प्रकार की कोई सक्रियता दिखाई, इस पर आपका क्या कहना? अगर उन्होंने कोई अपना मतलब टिकट नहीं ले रहे, वो प्रचार में अब सभी लोग आगे आ चुके हैं, मोदी जी रैली कर रहे हैं, योगी जी रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव रैली कर रहे हैं, जयंत जी रैली कर रहे हैं, पर मायावती जी अभी तक कहीं नहीं दिखाई, अभी दिखाई नहीं दी। अगर मायावती दिखाई भी नहीं दी तो ये, अरे सुनो तो सही, वो है क्या नाम, हाजी कमाल जी सिरकोट का जी, वो तो है बिल्कुल है नहीं, तो वो उससे तो है मायावती, सही। पंचायत के प्रधान पवन, पवन जी आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या मत है इस सरकार को लेकर, और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में उस पर आपकी क्या राय है, किसकी सरकार होगी? देखो सरकार तो कायदे में बीजेपी को गलत नहीं रही है, पर जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने पार्टी तरफ को ध्यान नहीं दिया है, और सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ाई है, कहते हैं मोदी जी कहते हैं हमारे हम बेरोजगार हटाएंगे, अभी हमारे गाँव के लड़के कम 50 लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, सब बेरोजगार है, जाए रोजगार के लिए मनरेगा काम दिया सरकार ने, वो 1-2 दिन चलेगा अपना फिर बंद हो जाता है, उसमें मजदूरी नहीं मिलती, मजदूर 202 रुपए मजदूरी मिलती, 202 रुपए मजदूरी में गुजारा कर लेंगे, वो भी महीने में अगर 5 दिन काम मिल गया, वो भी मिल गया तो कहाँ मिल गया, 2 दिन नहीं नहीं अगर 5 दिन में काम मिल गया तो 5 दिन में कितने 1010 रुपए बैठते हैं, 1010 रुपए में अपना खर्चा कर लेंगे कोई। मोदी जी कहते हैं बेरोजगारी हटाएंगे, महंग के अच्छे दिन लाएंगे, कौन से अच्छे दिन लाए मोदी जी, ये हमारे योगी जी कौन से मस्जिद मंदिर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जनता की तरफ कौन सा ध्यान दिया उन्होंने आज तक, एक्सप्रेस हाईवे में पैसा लगा रहे हैं, गांव गांव में विकास के लिए कौन सा पैसा दे रहे हैं, आपने राशन दे दिया मोदी जी ने, योगी जी ने हमें, उसमें मसाला भी रहा, तेल भी रहा है, हल्दी मिर्ची भी रही है, और पकाने के लिए गैस भी रही है, ये आपने अगर ईंधन जलाएंगे तो ईंधन से पकाएंगे तो ईंधन भी रहा, तो वो मजदूर आदमी 1010 रुपए तो महंगाई के मोर्चे पर भाजपा सरकार फेल है ना। आने वाले आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखो हम सरकार चाहेंगे सपा बसपा की, दोनों की, दोनों में से एक भी हो जाए। सपा बसपा की नहीं बन सकती ना, तो सपा की बनेगी या बसपा की बनेगी? हम आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं सपा की सरकार चाहता हूँ। सपा सपा की सरकार में युवाओं को रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं, भाजपा सरकार में कोई भी युवाओं को नौकरी नहीं मिली। हमारे गांव में जो ग्रेजुएट हैं, बीएससी बीएड वाले हैं, वो आज के आज तारीख में फावला चला रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी पे राजमिस्त्री का वो कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो लोग। तो हम सपा की सरकार में क्या था, लोग बच्चों को रोजगारी मिला है, शिक्षा भी अच्छी मिली है, इसमें लॉकडाउन में बताओ सबको घर से बेघर कर दिया, अब बीमारी नहीं है, अब बीमारी नहीं है, बुखार तो लोगों को अब भी आ रहा है, या जैसे कि नजला खांसी जुकाम होता अभी हो रहा है, तो अब क्यों नहीं लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, इलेक्शन परेड की वजह, रैली की वजह से, तो अब इन लोगों को रैली करनी है अपनी। तो देखिए हमने बात की भटपुरा में लोगों से, लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार महंगाई के मोर्चे पर बिल्कुल फेल है और आगामी चुनाव में वो किसी दूसरे विकल्प को चुनना चाहेंगे, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो पेपर्स पर हैं लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। हमारे गांव में जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और क्षेत्रीय सांसद हैं और हमारे राज्य मंत्री, हमारे गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ उनके द्वारा 5 साल में, क्योंकि उनके यहाँ हमारे यहाँ करीब कहता हूँ 2 रुपये का काम नहीं हुआ है। क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्रीय सांसद या जो और कोई बड़े नेता है, क्या आपके गांव में कितनी बार आ पाए? अभी हमारे यहाँ एक दुर्घटना हुई थी
पंचायत घर के ऊपर हमारे यहाँ 133 केवी लाइन निकल रही है, उस द्वारा दो बच्चों से सुलझ गए थे। हम लोगों ने फोन करा प्रियंकर जी को भी, प्रियंकर जी फोन नहीं उठा पाए। हम लोगों ने अपने सीएससी धामपुर से मुरादाबाद ले गए, मुरादाबाद से दिल्ली ले गए, जहाँ के एक को तो दिल्ली भर्ती कर लिया गया था, एक को मेरठ ले आए थे। एक लड़के की डेथ भी हो गई है। हमने धरना प्रसन्न करा जिस दिन उस बच्चे की डेथ होती प्रयास पे। प्रियंकर जी आए थे, आश्वासन दिया, चले गए थे। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। बिली दफ्तर में हम गए थे, जो उनका एससी होते हैं, एससी साहब जो होते हैं, उनसे बात हुई। मंत्री मूलचंद माननीय मंत्री जी बैठे हुए थे हमारे पास, कभी 2.5 घंटे बैठे, उन्होंने आश्वासन दिया था आज तक ना ही तो उस लाइन का सुधार हुआ है, ना ही वो लाइन की ना ही उसका पोल लगा है, और हम लोग पंचायत घर पर भी नहीं जा पाते हैं। जैसी कोई मीटिंग होती है तो अपनी जैसे कि किसी के मकान पे, किसी की बैठक में, किसी घेर में हम लोगों को ऐसे मीटिंग करनी पड़ती है। बहुत बड़ी दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे गांव में ये है। तो आपके यहाँ कोई पंचायत घर नहीं है? पंचायत घर है, पर उसके छत के ऊपर से 133 केवी लाइन उतर रही है, जो बड़ी बड़ी पोल वाली लाइन होती है। यही हादसा हुआ है, ना ही उन बच्चों को मुआवजा मिला है, ना ही किस तरह की सुनवाई हुई है अभी तक। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।